फौज के ऊपर एक अब्लीस निमा शख्स यजीद अब्लीस जो है वो हुक्मरान बैठा हुआ, द डिसीवर झूठा दज्जाल बैठा हुआ। अब्लीस का पसंदीदा तरीन शैतान वो है जो मियां बीवी के अंदर झगड़ा कराता है। तो ये अब्लीस के पसंदीदा शैतानों का किरदार अदा कर रहे हैं मेरी जाती राय के मुताबिक, और ना सिर्फ शैतानी कर रहे हैं ये बल्कि पूरे का पूरा एन इविल मैन विल बर्न हिज ओन नेशन टू द ग्राउंड टू रूल ओवर हिज ओवर द एशेस एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन सर। ये अपनी बहनों को भी नहीं छोड़ रहे सर, अपनी बच्चियों को भी नहीं छोड़ रहे सर, तो ये बाकी कौन को किस तरह छोड़ देंगे सर, आप मुझे बता दें सर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है हम आपके लिए लेकर आते हैं एक से एक लेटेस्ट न्यूज़, वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ हम फिर हाजिर हुए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप यही न्यूज़ हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों बात है पाकिस्तान आर्मी की। पहले तो वहाँ से ये खबर आती रहती थी कि वहाँ पर अब आज टैंक में डालने के लिए पेट्रोल या डीजल नहीं है, या चलाने के लिए बंदूकें ख़त्म, बंदूकों में के लिए गोलियाँ ख़त्म हो गई हैं। लेकिन अब वहाँ से और भी ज़्यादा शर्मनाक खबरें आ रही हैं दोस्तों, जैसे कि वहाँ पर कोई लेडीज़ भी सेफ नहीं है, आर्मी ऑफिसर्स घर में भी गलत काम कर रहे हैं और साथ में दूसरे ऑफिसर्स के भी घर में एक दूसरे के गलत काम हो रहे हैं वहाँ पर। उसी को लेकर इसमें बहुत बड़ा खुलासा किया गया इस न्यूज़ के अंदर कि आर्मी ही सेफ नहीं है तो पूरा पाकिस्तान कैसे सेफ होगा। तो इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है दोस्तों, बहुत बढ़िया न्यूज़ है, आप अंत तक ज़रूर जुड़े रहिएगा। तो चलिए करते हैं न्यूज़ को स्टार्ट। और वही और अमूमन एक खानदान के बड़े के तौर पर ये हल हो जाया करता था, कभी नहीं भी होता था, लेकिन ये बातें बाहर निकल के फटती नहीं थी, इसलिए कि सीओ को भी पता था, भाई वाल साहब एसएसजी की कमांड में भी थे, कि इसका असर लोगों की अपनी कारकर्दगी पे। और एसएसजी तो आपको पता है बड़ा सख्त उस वक्त माहौल था, ये आजकल की एसएसजी से मुख्तलिफ है, चंद पहलू एसएसजी से मुख्तलिफ है, जो सिर्फ जर्नलों की गार्ड करते हैं वो तो बड़े जंगजू किस्म के एसएसजी के बहादुर जवान थे। तो आदिल ये सिस्टम अब नहीं रहा फौज में, सिस्टम तो वो मौजूद है लेकिन वो फौज नहीं रही, वो वाली मसला ये है, क्योंकि अभी ऑपरेशनल कमिटमेंट इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई है, खोते की तरह लोड कर दिया गया है, इस लोकेलिटीज में बंदा रहता नहीं है, या यूएन मिशन के ऊपर है या ऑपरेशनल एरिया के अंदर है, बहुत ही मुश्किल से कोई मौका मिलता है, कोई पीसफुल लाइफ पीस लोकेशन में टेंटों के अंदर वाली जिंदगी खत्म हो गई है। तो फैमिलीज जो है वो पीछे घरों में भिजवानी पड़ती है, या इंडिपेंडेंट उनको रहना होता है, खामत साथ रह ही नहीं रहे होते, जब सर के ऊपर ही नहीं होते तो फिर ये मसले फिर जन्म लेते हैं। जो कमिटमेंट है, ऑफिशियल कमिटमेंट लेवल है, स्ट्रेस लेवल है, वो ज्यादा बढ़ चुके हैं, और मिसमैनेज भी बहुत ज्यादा किया जा रहा है, एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत ज्यादा की जा रही है। जो मौलाना इसरार कहते थे कि ये जिंसी दरिंदे बन गए फौजी या हैं, और हमें बहुत सख्त तकलीफ होती थी। लेकिन अभी मैं इसको आगे आपको ये जो 786 इंटेलिजेंस बटालियन की हमारी रिपोर्ट है उसकी मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ आएगी कि यार कितना ज्यादा इसका इम्पैक्ट हुआ है और कितना ज्यादा जो हालात हैं वो खराब हुए हुए हैं। इतने ज्यादा हालात खराब हुए हैं, ये सिस्टम फेल हुआ है, जो यूनिट लेवल के ऊपर सिस्टम फेल हुआ है। तो जीएचक्यू में फिर इन्होंने बनाया सेक्शन मैट्रिमोनियल इशू सेक्शन, मैट्रिमोनियल इशू सेक्शन, मतलब के लोगों के शादी ब्याह के मसलों को हल करने के लिए। MIS, क्योंकि सर यहाँ पे अक्सर औकात अभी भाभियां लेडी वाइज मशवरा देती हैं, दरखास्त डाल दो खामत के खिलाफ, ठीक है, तो वो जब दरखास्त जीएचक्यू में इतनी ज्यादा जमा हो जाती हैं तो वो जीएचक्यू वाले कहते हैं यार इसको भी हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन सेक्टर पीएस डायरेक्टरेट में सेल अभी खुल गया है। वो सेल इन्होंने निकाल के, हमारी इंटेलिजेंस बताती है कि जीएचक्यू ने, क्योंकि बुलाना होता है बहुत ज्यादा, तो वो जीएचक्यू से बाहर ट्रांजिट क्रैम्प के बाहर AFIC के ऑपोजिट जो है पिंडी के अंदर उन्होंने वो सेल खोला हुआ है। जो ब्रिगेडियर ताहिर रिटायर्ड ब्रिगेडियर है वो इसको कंट्रोल कर रहा है। अभी ये सेल बनाया था जिस वक्त जनरल आमिर एडजुटेंट जनरल था सर, लेफ्टिनेंट जनरल आमिर जो गुजरांवाला का कोर कमांडर बना, जो इमरान खान को गली गलियां में डालता है, जो जरदारी का मिलिट्री सेक्रेटरी था उसके होते हुए, और जनरल इम्तियाज जब DGPS था तो ये सेल बनाया गया था। तो ये आदिल इसका मतलब है ये बाजवा का जमाना था,
बाजवे के जमाने में असल बनाया गया था सर, और उस वक्त तक मैंने बेतहाशा लोगों को देखा, वो इसी तरह की दरखास्तें देते थे, और ज्यादातर जो है वो लड़की खातून खाना के घर वालों की तरफ से इस तरह की दरखास्तें आती हैं। इन्होंने सर जो मसला है वो यहाँ पे नहीं हुआ, उन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है एक बहुत बड़ा एडवोकेट पूरे पाकिस्तान के अंदर इन्होंने हायर किए इस ब्रांच ने, मैट्रिमोनियल इशूज ने, ठीक है, इन्होंने अदालतों को भी दबाना शुरू किया। इन्होंने क्या किया जी जनाब, इसके अलावा कि जो है वो इन्होंने पीएस डायरेक्टरेट का जो है अफसरान को सिर्फ इसलिए कि जी अब एक खातून की तरफ से दरखास्त आई है, उस दरखास्त में अगर खातून को बुला के इंटरव्यू किया और अगर वो इनकी बात मान रही है, अगर ये उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ये इल्जाम लगाया जाता है कि अगर उनको जिंसी दरिंदगी का निशाना बनाया जा सकता है, तो फिर अफसर को फौज से फारिग भी किया गया है, इस तरह की भी इल्जाम लगाए गए हैं। ये तो अभी इसकी क्लैरिफिकेशन दूसरी तरफ से दी जानी चाहिए, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये हमें कहती है कि ये जो मटेरियल फायर है ये तमाम डिटेल कोर्ट से इकट्ठी करता है अपने एडवोकेट के जरिए, ठीक है जी, इसके पास पूरा स्टाफ है, एक असिस्टेंट एडिटेंट जनरल है, एक डीएजी भी है, डिप्टी असिस्टेंट एडिटेंट जनरल है, क्लर्क्स वगैरह स्टाफ इसके बैठे हुए हैं, ये कोर्ट्स वगैरह से जनाब तमाम चीजें इकट्ठी करते हैं, उसके बाद ये लेडी वाइफ्स को बुलाते हैं, लेडी वाइफ्स को बुला के जनाब जो के अफसरान को तंग उन्होंने किया हुआ होता है तो उनको अफसरान को भी फोन करके कॉल करते हैं, और उनके उनके बाद वो कहते हैं लेडी वाइफ से डिटेल्स लेते हैं, मॉडल्स ऊपर नहीं ये है कि इनकी वीडियोस पर्सनल लाइफ की डिटेल को वीडियोस वगैरह लेते हैं, और अगर वो इतनी ज्यादा तंग आई हुई होती है कि जान छुड़ाना चाहती है या अगला बंदा कुछ कर चुका होता है कुछ दूसरा काम, आपको भी पता है फौजी भी जो है वो जिंसी दरिंदगी के अंदर तो बहुत आगे निकले हुए हैं, वो वाकई जुल्म सितम कर रहे होते हैं या चीट कर रहे होते हैं, तो उसकी सबूत वगैरह लेते हैं, और अगर फिर भी वो कहते हैं कि अगर आप चाहती हैं कि इसको हम निकाल दें फौज से सुखा सुखा लेटर ऑफ थैंक्स, तो फिर उनसे फेवर्स मांगे जाते हैं। क्या फेवर्स मांगे जाते हैं, मतलब उनको उनको बुलाया जाता है, उनको टेक्स्ट भी किया जाता है, लेडी वाइफ जो पहले ही बहुत अफेक्टेड होती है इन केसेस में, उनको ब्रिगेडियर तायर और उनका स्टाफ अच्छा, जो है, मैं समझ गया आदिल, ज्यादती इसमें सर जो सबसे बड़ी बात है ना सर जी, ये वल्नरेबल होती है ना आदिल, वल्नरेबल होती है ना ये औरतें, उसमें सर कहा जा रहा है कि जबरदस्ती किया जाता है, और जबरदस्ती ज्यादती की गई है, जिंसी ज्यादती जब की गई है तो उन अफसरों के आगे जब वो जाके रोई अपने खानदों के आगे, तो इन्होंने जाके उनको जो अफसर लड़े इससे ब्रिगेडियर तायर से ये भी हुआ है, और इन्होंने आगे से भी उनको भी जिनसों भी जान छुड़ाई है, ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है। आप सर एक अफसर को कहते हो ये मेरा ब्रदर अफसर है, मेरा भाई है, ये बहन बहन करके बहन आप आ जाए, बहन बहन हो जाएगा, बहन बहन करके बात करते, उसके बाद उसी बहन के साथ तुम बहन वो गाली जो पाकिस्तान की कौमी गाली है जी, तो जी, वो जी, जी। आदिल में जी ना फौज में एक बहुत तोहमतें लगती थी लोगों पे कि यार चलो ये करप्ट है, ये जो है जी ये जरा गलत काम करते, लेकिन जो सबसे बड़ी गाली समझी जाती थी और सबसे बड़ी तोहमत वो ये थी कि एक अफसर ने किसी दूसरी अफसर की बीवी से शादी कर ली, वो जो तोहमत थी ना वो बहुत बड़ी तोहमत थी, इसके पीछे बहुत चीजें थी कि जी ये अफसर उसके घर जाता होगा, उसका दोस्त होगा, उसकी बीवी से माशका हो गया होगा, उसकी बीवी से फिर कर ले, तो ये बहुत बुरा समझा जाता था। कुछ आई हैं हमारे सामने इस तरह के, लेकिन बहुत बुरा समझा जाता था। मैं इसकी अच्छाई और बुराई के अंदर नहीं जा रहा सर, देखें लेट्स बी ऑनेस्ट टुडे सर, स्टाफ कॉलेज में सर केसेस कितने पकड़े गए, इंक्वायरी हुई है, लोगों को घर भिजवाया गया इसी चक्कर के अंदर जिन्होंने अपनी बीवियां प्रेजेंट की है, ये इस तरह के मसले मसाइल तो होते हैं ना सर, है जनरल इश्यूज है आपके, ठीक है। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि दिस वाज नॉट कंसीडर्ड, दिस वाज कंसीडर्ड, ये बहुत बुरा समझा जाता था, हालांकि बुरा भी जाता, लेकिन ये होता, अब पहले भी होता था और अब भी हो रहा है, लेकिन ये जो मैट्रिमोनियल इश्यूज आपको डायरेक्ट अगले की खानदानी लाइफ के अंदर आप एक ऑफिशियल अथॉरिटी अगर किसी को दे दो फिर ये काम किया जाए, तो जाहिर बात है कि सर ये एक्सप्लॉयटेशन तो फिर बहुत आसान हो जाती है सर। ओफ 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 और हमारे ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट दावा करती है कि 2% कंफर्म रिपोर्ट है। अब हो सकता है कि जिन अफसरों के साथ ये हुआ है जाहिर बात है उन्होंने ये बातें जाके अपने दोस्तों यारों को, लोग तो करते हैं ना, रोते तो है ना, दिल का हाल करते हैं, खबरें तो वहीं से सारी की सारी आती है सर। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर मेरे ख्याल में हम दावा देते हैं अपनी जीएचक्यू को
को ISPR को कि अगर वो इसके ऊपर वाज़े कोई बयान देना चाहें, इसकी वजाहत करना चाहें इन इल्जामात की, तो हम खुले आम उनको दावा देते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, आके इन इल्जामात को जो है इनकी तब्दील अगर आप करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए, करनी चाहिए आपको, नहीं अगर आप करेंगे और हमारी जो लोग कह रहे हैं कि 100% कंफर्म है, तो अगर आप इसकी तर्दीद जो है वो आके नहीं करना चाहते और नहीं बताना चाहते, तो इसका मतलब ये है कि फिर हमारी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है 786 इंटेलिजेंस बटालियन की, जो कह रहे हैं कि 100% कंफर्म है, जो वो इल्जाम लगा रहे हैं या जो वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो वो रिपोर्ट दे रहे हैं, वो फिर करेक्ट है? क्योंकि सर मुझे एक बात बताए सर, हैदर जी सर, चकले चलाकर पूरी कौम को काबू करने का कारोबार तो पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI जो है वो कर रही है ना सर, ऑलरेडी कर रही है, एग्जिस्टिंग है, कर रही है सर। वो बिल्कुल आदिल, सईद अख्तर मलिक साहब, मेजर सईद अख्तर मलिक ने अपने पिछले आर्टिकल में यही लिखा है कि वो लोग जो के दरअसल उस काम के काबिल हैं जो रात को किया जाता है, वो लोग इस वक्त आपके फौज के जर्नैल बन चुके हैं, आर्मी चीफ बन चुके हैं और इस मुल्क के ऊपर सरबराह बन चुके हैं, सदर और वजीर आजम। तो आप जो बात कर रहे हैं आदिल, ये इस बात को तो सिर्फ यही है कि आदमी खून के आंसू रो सकता है। और आपकी मैं ये, सो लेट मी जस्ट अंडरस्टैंड एज ए फाइनल कॉमेंट, ब्रिगेडियर तारिक एक रिटायर्ड फौजी अफसर है, ताहिर एक रिटायर्ड फौजी अफसर है, उसने उसके तहत एक मैट्रिमोनियल सेक्शन या डायरेक्टरेट या यूनिट बनाई गई है GHQ में, जिसका काम है कि जो प्राइवेट लाइफ, जो मैट्रिमोनियल अफेयर, जो अज़दवाजी जिंदगी में झगड़े फसाद हैं औरतों अफसरों और उनकी बीवियों के दरमियान, इनके अंदर ये मदाखलत करे और सॉर्ट आउट करे। इसका ये गलत इस्तेमाल करके जो ऑफिसर्स हैं उनकी बीवियों से अनड्यू फेवर्स लेते हैं और वो हम समझ गए हैं कि वो किस किस्म के फेवर्स हैं। बेसिकली ये बात आप कह रहे हैं, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट हमें पहुंची है और हमारी इंटेलिजेंस बटालियन जो 786 इंटेलिजेंस बटालियन है वो ये रिपोर्ट दे रही है सर। लेकिन मैं जाती राय आपको दूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान फौज के ऊपर एक अब्लीस नुमा शख्स, यजीद अब्लीस जो है वो हुक्मरान बैठा हुआ, द डिसीवर, झूठा दज्जाल बैठा हुआ। अब्लीस का पसंदीदा तरीन शैतान हुआ है जो मियां बीवी के अंदर झगड़ा कराता है। तो ये अब्लीस के पसंदीदा शैतानों का किरदार अदा कर रहे हैं मेरी जाती राय के मुताबिक, और न सिर्फ शैतानी कर रहे हैं ये, बल्कि पूरे का पूरा एन इविल मैन विल बर्न हिज ओन नेशन टू द ग्राउंड टू रूल ओवर हिज ओवर द एशेस, एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन सर। ये अपनी बहनों को भी नहीं छोड़ रहे सर, अपनी बच्चियों को भी नहीं छोड़ रहे सर, तो ये बाकी कौन को किस तरह छोड़ देंगे सर, आप मुझे बता दें सर। तो आदिल फिर तो एक ही रास्ता है वो जो... तो देखा दोस्तों आपने कैसे पाक एक्स पाक ऑफिसर्स कैसे खुलासा कर रहे हैं पाक आर्मी में क्या क्या काम हो रहे हैं और कैसे कैसे वो एक दूसरे की बीवी के साथ नजायज काम कर रहे हैं, या मतलब खुद की बीवी है, खुद की बहन है, बेटी है, कोई वहाँ पर सेफ नहीं है। वैसे भी पहले भी सेफ नहीं था, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ जलालत और जाहिल लोग ही पैदा होते हैं, उस चीज़ का आपको पता है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम वहाँ पे जीरो है, वहाँ की संस्कार होते हैं वो जीरो है, और इससे ज़्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। सेफ तो खैर वहाँ पर पहले भी नहीं था कोई भी, और वहाँ पर क्योंकि शिक्षा ऐसी दी जाती है, मदरसों में कौन सी शिक्षा होती है तो आपको पता ही है दोस्तों, वहाँ पर तो यही शिक्षा दी जाती है कि आपको बेहतर उर का दर्शन होंगे और आपको यहाँ पे बम बांध के यहाँ पे फट जाना होगा। तो इस तरह की वहाँ पे तालीम बोलते हैं ये, तो जैसे अपने यहाँ बोलते हैं एजुकेशन इस तरह की दी जाती है, और तो वहाँ पर कुछ खास है नहीं दोस्तों। तो एक जल्दी एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ हम फिर से हाजिर होंगे आपके सामने, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।